बिल्कुल कैसा था, कैसा था शॉर्टकट? शॉर्टकट दिखाया आपको, शॉर्टकट दिखाया। सो गुड मॉर्निंग, ये देख सकते हैं काफी बढ़िया सनराइज हुआ है, मौसम आज काफी अच्छा होने वाला है, और कैसा होने वाला है वो तो ब्लॉग में पता चल जाएगा। वैसे इस टीम के डब्बे से हम लोग चेकआउट कर रहे हैं, चल भाई फाइव स्टार से हम लोग चेकआउट कर रहे हैं। वैसे होटल तो काफी सारा बन गया है, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हो गया है, बट क्या है ना कि इतने श्रद्धालु लोग आ जाते हैं कि ये भी होटल कम पड़ता है। तो ये है नदी, मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी के जस्ट किनारे में है गौरीकुंड, तो अभी हम लोग चल रहे हैं गौरीकुंड के पास। ये है भाई गौरीकुंड, इसका पानी काफी गर्म रहता है, बहुत गर्म। तो यहाँ पे हम लोग नहा तो पहले से लिए थे, यहाँ पे बस पानी छिड़क लिए हैं। गौरीकुंड माँ गौरी का आशीर्वाद लेते हैं, उमापति महादेव का आशीर्वाद लेते हैं, और आज का ट्रैक जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो माँ गौरी का दर्शन कर लिए, उमापति महादेव का भी दर्शन कर लिए, आप लोग को भी दर्शन करा दे। ये है उमापति महादेव, हर हर महादेव, नमः पार्वती पताये हर हर महादेव। और बता दें आपको, यहाँ है केदारनाथ, भगवान शिव पर समर्पित केदारनाथ चार धाम यात्रा में तीसरा स्थान में आता है। अपना ट्रैक जो है वो स्टार्ट कर दिया, चार मित्र आए हैं, मस्त रील से क्या ला रहा है, तेरे हाथ में मेरा हाथ हो और मंजिल केदारनाथ हो। तो आ गए फिर से केदारनाथ, बाबा केदार की जय हो, पार लगाइएगा बाबा। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। देख रहे हैं कितना श्रद्धालु लोग आए हैं। सो अभी तो बहुत सारे पर्वत को पार करके जाना है बाबा केदारनाथ के दरबार। एक घोड़ा का तबीयत भी खराब है, जानवर पे बहुत अत्याचार होता है यार, ऐसे नहीं होना चाहिए। या तो हेलीकॉप्टर से जाओ, पैदल जाओ सर। तो देखो भाई फोन में, यहाँ पे जाना है, यहाँ जाना है ना, और अभी हम लोग यहाँ है, यहाँ है और यहाँ जाना है। और यार चलो महादेव का नाम लेते हैं, हर हर महादेव, महादेव पार लगाएंगे। चलिए हर हर महादेव। अरे घोड़ा घोड़ा खच्चर जो है ना, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, क्योंकि वो लोग इसी रोड पे चलते हैं, पैदल भी चलता है लोग, बहुत डिस्टर्बेंस होता है। खैर कोई बात नहीं है, महादेव से मिलना इतना भी आसान नहीं होता है, कभी पैदल केदारनाथ ट्रैक करके देखिए, आइडिया लग जाएगा। और जो लोग किए हैं, बहुत बार किए हैं, उनके लिए नहीं है भाई, दिल पर मत लेना। जो लोग नहीं किए हैं, घोड़ा खच्चर से गए हैं घोड़ा के ऊपर बैठ के, कभी खुद अपने पीठ पे बैग लेके जाइए, समझ में आ गलत बोल रहे हैं तो मत लीजिएगा, ठीक है? तो कभी अपने पीठ पे बैग टांग के पूरा केदारनाथ ट्रैक कीजिए, समझ में आ जाएगा। वैसे ये अगर वीडियोज आप देख रहे हैं तो आपको बता दें, 2020 में भी हम बाइक राइड किए थे पटना टू केदारनाथ, उसमें भी ट्रैक किए थे, 2022 में भी किए थे, और हर एक साल की बात है इस साल भी 2023 में भी आया है। हर हर महादेव। पहला स्टॉप लिए हैं अंकित भाई, पिछले वाला सीजन भी अगर देखेंगे केदारनाथ ट्रिप में तो अंकित भाई से मिले थे, ये हम मेरा काफ़ी हेल्प किए थे, तो इस बार भी आए तो अचानक इनका फेस देखें हमको स्ट्राइक कर गया कि वही है। और भाई आप पहचान पाए कि नहीं? बिल्कुल 100%। चलिए बढ़िया है, हर हर महादेव। 2.5 किलोमीटर आने के बाद एक छोटा सा ब्रेक लिए थे, और यहाँ पे हम लोग खीरा और तरबूजा खा रहे हैं, 50 रुपये का एक प्लेट है भैया जी। तो हमको जाना अभी वहाँ है भाई, जाना है यहाँ। मंजिल दूर है, जाना जरूर है। चलो भाई हर हर महादेव। हाँ अच्छे भाई, 2020 का एक मेरे YouTube चैनल पे प्लेलिस्ट है केदारनाथ ट्रिप का, उस पे जाके देखिएगा ना तो आपको पता चलेगा। ये पूरा खाली था, मतलब पूरा खाली। जैसे हम लोग ट्रैक स्टार्ट करते हैं गौरीकुंड से केदारनाथ की तरफ, तो 3.5 किलोमीटर के बाद काल भैरव मंदिर आता है। जय बाबा काल भैरव मंदिर, दर्शन करते हैं, टीका कराते हैं, और फिर चलते हैं आगे की तरफ। वैसे बताया कि 3 किलोमीटर में ही हालत पस्त हो गया, खैर कोई बात नहीं है, जाएंगे तो पैदल ही जाएंगे। सो गोलू भाई और प्रशांत जो है पीछे है, अभी हम आकाश यहाँ रुके हैं, लोग का वेट करते हैं, लोग आते हैं फिर आगे की तरफ चलेंगे। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है, और ऐसे जाते हैं यहाँ पार्सल, गुजरात से आ रहा है पार्सल। गोलू भाई और प्रशांत भाई एज यूजल पीछे है, और हम दोनों आगे आगे लीड कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। गोलू और प्रशांत का इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। ये घोड़ा मिला के अभी तक हम 4 घोड़ा मरा हुआ देख लिया, सोच रहे हैं
क्या अत्याचार्य है। चलो ये भीमबली आने से पहले जस्ट ये वाटरफॉल मिलता है। बारिश के दिनों में तो ये वाटरफॉल देखने लायक होता है। अभी तो बहुत कम पानी है, बहुत कम, किंतु बारिश के दिनों में तो ये चीज़ देखने लायक होता है। एक बिस्लेरी का बॉटल ले लिए थे और इसको अब बार बार रिफिल कर रहे हैं। ऐसे ऐसे जहाँ जहाँ वाटरफॉल है वहाँ वहाँ रिफिल कर रहे हैं और इसी पानी को पी रहे हैं। देखो एकदम शुद्ध, एकदम प्योर, मतलब बिस्लेरी भी फेल है। लो भाई फोन करो, बिस्लेरी भी फेल है, ऐसा पानी है। चलिए आगे चलते हैं। भीमबली है यहाँ से 200-300 मीटर, अभी गिर गया था। और यहाँ पे जो है ना ये सब टूटा हुआ है। बेसिकली जैसे हम भीमबली से आगे बढ़ते हैं दो साइड रोड डाइवर्ट होता है, एक ये रोड जा रहा है एक ये जा रहा है। जितना भी घोड़ा है ना वो इस रूट से होके जाता है, इस रूट से, ये रूट से। और इस रूट से घोड़ा अलाउड नहीं है, तो हम सोच रहे हैं इस रूट से जाए, क्योंकि घोड़ा का जो मलवा का जो स्मेल है ना, बाप रे, नाक जो है ना वो मेरा ब्लास्ट कर जाएगा, ऐसा फील होता है कहीं नहीं, तो वो एक बहुत ज़्यादा परेशानी का चीज़ है। तो इसके वजह से हम सोच रहे हैं ये वाले रूट को कवर करें, ज़्यादा अच्छा है। वैसे हम इस रूट से भी गए हैं दो दो बार, और इस रूट से नहीं गए हैं, तो इस बार इस रूट से चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। गोलू और प्रशांत जो है वो भी पीछे ही हैं, तो उन लोग का वेट कर रहे हैं। आकाश वहाँ कुछ कुछ शॉट्स बना रहा है, तो हम लोग यहाँ से फिर चलेंगे। और वैसे बता दें कि ये जो चीज़ देख रहे हैं ना, ये सब 2013 में जो आपदा आया था ना उसी का इफेक्ट है, और अभी तक वो एक इफेक्ट दिखता है। तो आगे चल के दिखाएंगे कितना भयावह स्थिति। मैगी टाइम, मैगी बन रहा है, इसका प्लेन मैगी और हम लोग का सब्जी वाला मैगी, आना भी दे रही है। सो ये अपना मैगी आ गया, 80 रुपये में वेजिटेबल मैगी और 60 रुपये में प्लेन मैगी। प्लेन मैगी खा के दोस्त मेरा बैठा हुआ है, हम लोग वेजिटेबल मैगी पे फोकस किया। नया ब्रिज है भाई, ये ब्रिज से हम बहुत एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। इस साइड से हम नहीं गए थे, उस साइड से तो गए थे, इससे पहले वाले ब्लॉग में अगर देखे होंगे 2022-20 में, तो उस साइड से गए थे, वो ब्लॉग तो शेयर किए हैं। इस बार इस साइड से जा रहे हैं, और यहाँ का जो नज़ारा है ना भाई, अल्टीमेट। राजा कुछ फ़ोटो वोटो शूट करते हैं। सेतु पर रुकने का समय 24 व्यक्ति या 6 खच्चर ही जा सकते हैं, उस पर 24 व्यक्ति या 6 खच्चर ही जा सकते हैं, उसका कैपेसिटी वैसा है। तो कुछ कुछ फ़ोटो क्लिक कर लिए, और ये जो ब्रिज है ना भाई पूरा हिल रहा है ज़बरदस्त वाला। चलो चला जाए, दो शॉट्स बना लेते हैं क्या। तो करीब 50% जो है ना वो ट्रैक जो है वो रीच कर चुके हैं, अब जाना है इधर, देख रहे हैं अभी कंटिन्यूस जाना है, और उस साइड जाना है वहाँ जाना, अभी तो दिख भी नहीं रहा है। तो चलते हैं यहाँ से बेस कैंप है 6.5 किलोमीटर, बेस कैंप पहुँचते हैं। पहले आर्यन भी आ गया, गोलू भी आ गया, प्रशांत भी आ गया, वाह हर हर महादेव। चल भाई ठीक है, चलो तारीफ किए नहीं कि रुकने का नाम ले लिए तुम। अरे भाई ओ महादेव, पता है? अरे कुछ नहीं, कहाँ ज़्यादा देर से चल रहे हो, तो 40 मिनट कोई मिनट होता है। चलिए हाँ कहीं बढ़िया जगह, हमको भी वॉशरूम लगा बहुत ज़ोर से, चलो कहीं बढ़िया जगह रुकते हैं जहाँ व्यवस्था हो। अभी तो बहुत ऐसा ऐसा आएगा, चलना इधर से नहीं 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 चले। ओ माय गॉड टू लव, क्या आ रहा है, चला जाए, चलो सब लोग नहीं नहीं बोल रहे, लेट्स ट्राई ना वाला तो हाँ करने में मजा आता है। चल भाई तो देखो भाई पीने वाला पानी यहाँ से हम लोग भर रहे हैं, समझ रहे हो। और अभी जानते हो एकदम शॉर्टकट लेके आए हैं इस साइड से, इस साइड से पूरा ट्रैक करते हुए आए हैं, ज़बरदस्त ट्रैकिंग है। और ये देखो अभी तक का लाइफ का सबसे बड़ा ट्रैकिंग यही है मेरा, केदारनाथ ट्रैक, इससे बड़ा ट्रैक कोई नहीं है। और मौसम तो बस बदलता ही जा रहा है, क्योंकि टाइम जो है ना वो करीब हो गया है, अभी 3 बजने वाला है इस वजह से। वो ब्रदर कैसा है, ओ माय गॉड पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, पानी मांग रहा था ना, देखो पानी कहाँ से आ रहा है, देखो कहाँ से पानी लाने गया है। अरे तो 60% तक का डिस्टेंस जो है वो 60% अप्रोक्स कवर कर लिया है, 40% और बचा होगा है ना, 60% कवर हो गया। जूता भिंगा लिए हो, फाइनली यहाँ आ गए, हर हर महादेव। तो यहाँ से अभी हम लोग को यहाँ जाना है ऊपर, अभी अच्छा खासा दूरी जो है वो भी तय करना है। और ये देख रहे हैं आए दिन कितना ज़्यादा जो है वो डेवलपमेंट यहाँ देखने को मिल रहा है, ओहो ज़बरदस्त। तो थोड़ा देर रेस्ट करते हैं 10-15 मिनट और फिर चलते हैं। सो बता दें कि अभी हम लोग टेंट में रुके हैं, बोलू भाई प्रशांत इधर है, इधर इधर और आकाश उधर है, तो टेंट वाला ज़िंदगी जी रहे हैं।
वैसे केदारनाथ का ट्रैक जो है वो लगभग कंप्लीट कर दिया, यहाँ से 2 किलोमीटर केदारनाथ मंदिर बचा है, और समय जो है वो अच्छा खासा हो गया था, मतलब 7:30-8:15 के आसपास हो गया था, तो हम लोग कैंप लेके यहीं रुक गए हैं, थक गए थे अच्छा खासा। कैसा था शॉर्टकट? इसको बोलते हैं ट्रैक, असली ट्रैक यही है। सो अभी हम लोग बहुत अच्छा खासा थक गए हैं, खाना खाएंगे आलू पराठा और फिर डायरेक्ट सो जाएंगे। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में कल सुबह, और इस ब्लॉग को एंड कर देते हैं हर हर महादेव के नाम से।